वेलकम है सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं आर्टिकल अवयव। दोस्तों आज हम जानेंगे आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है दोस्तों, एंड काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड पार्ट्स ऑफ आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल एक अच्छा एक फुल बहुत मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, तो आज हम इस बारे में जानेंगे। आपको बहुत वीडियो यूट्यूब पर मिलती होगी लेकिन इस ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। हम इस आर्टिकल, ये एक बड़ा पार्ट है, इस आर्टिकल को हम दो पार्टों में आप पे शेयर करेंगे दोस्तों, अपलोड करेंगे वीडियो। तो आज हम जो है पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियो प्लीज। आर्टिकल दोस्तों टू प्रकार के होते हैं। नंबर वन एंड नंबर टू। नंबर वन इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। नंबर टू डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल इसको बोलते हैं दोस्तों अनिश्चित अवयव। इसको बोलते हैं दोस्तों निश्चित अवयव, निश्चित अवयव। इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित अवयव और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित अवयव, ये टू प्रकार के आर्टिकल होते हैं दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों आर्टिकल, ये किसी नाउन से पहले प्रयोग माकर उसका न्यूमेरिकल एंड नंबर्स ज्ञात करता है या उसके बारे में कुछ विशेषता बताता है या मात्रा बताता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों आर्टिकल कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम फर्स्टली इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल फर्स्ट पार्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन टू प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल जो है इसके टू पार्ट्स होते हैं, ए और एन। इनको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों एक, क्या कहते हैं दोस्तों एक कहते हैं, ए एक। हम इनका आज यूज जानेंगे, ए और एन का हम यूज कहाँ करते हैं, बहुत स्टूडेंट जो है इनको कन्फ्यूज होकर इनमें रोंग कर देते हैं किसी ट्रांसलेट वाक्य करने के लिए, तो आइए हम समझेंगे। हम फर्स्टली ए का यूज समझेंगे। ए का प्रयोग, तो आप नोटबुक निकालें दोस्तों और पेन निकालें और राइट करें जो हम बोल रहे हैं। ए एंड एन मीनिंग इन हिंदी एक, ए और एन इनका दोनों का अर्थ होता है हिंदी में एक। और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी आप राइट कर लेते हैं, डेफिनेट आर्टिकल को, डेफिनेट आर्टिकल में एक पार्ट होता है जिसको हम द कहते हैं। अब हम इसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, वो द होता है या दी होता है या दा होता है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है दोस्तों। अब हम इसकी सच्चाई आपके सामने खोलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल, ए का प्रयोग हम वहां करते हैं। इससे पहले हम एक चीज बताते हैं आपको, ए ई आई ओ यू, आपने वोविल पढ़ा होगा, हमने स्टार्टिंग वीडियो में आपको वोविल्स यानी कि स्वरिया मात्राएं, स्वरिया मात्राएं हमने आपको फर्स्ट वीडियो अल्फाबेट की हमने वीडियो आपको अपलोड करी थी, वो आपने वीडियो देखी होगी। वोवेल्स इंग्लिश में फाइव होते हैं, ए आई ओ यू। ए का यू जब वहां करते हैं जिस शब्द का पहला अक्षर वोवेल्स नहीं होता और वह वोवेल्स की ध्वनि ना निकालता हो, यानी कि जिस शब्द का पहला अक्षर वोवेल्स ना हो और वह वोवेल्स की आवाज ना निकालता हो, उस शब्द से पहले हम ए का यूज करते हैं, नियम नंबर वन। नियम नंबर टू, ए का प्रयोग हम वहां करते हैं
जिस शब्द का पहला अक्षर वोविल्स होकर भी वह वोविल्स की ध्वनि ना देता हो, यानी कि वोविल्स होकर भी वह वोविल्स की आवाज ना निकालता हो, उस शब्द से पहला हम एक का यूज करेंगे एक के लिए। जैसे वोविल्स कहते हैं ए आई यू, जिस शब्द का पहला अक्षर इनमें से कोई सा आए और यह वोविल्स की आवाज ना निकाले तो उस शब्द से पहला हम ए का यूज करेंगे, और यदि इस शब्द का पहला अक्षर कोई सा भी ये वोविल्स का अक्षर ना आता हो और वह वोविल्स की आवाज ना देता हो तो सबसे पहले हम ए का यूज करेंगे। चलते हैं जैसे जैसे आ जाए केट, सी ए टी केट, तो इसका जो पहला अक्षर है वो विल है नहीं है दोस्तों, तो इस शब्द से पहले हम ए का यूज करेंगे। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? थैंक यू। काओ, इस शब्द का पहला अक्षर वो विल्स है नहीं है दोस्तों, तो इस शब्द से पहले हम क्या करेंगे ए का यूज करेंगे। डॉग, इस शब्द का पहला अक्षर वो विल है नहीं है दोस्तों, तो इस शब्द से पहले भी हम ए का यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? ए डबल एस, इसके शब्द का पहला अक्षर वोविल्स है दोस्तों। अब हम देखते हैं ये वोविल्स है, लेकिन ये देखते हैं वोविल्स की आवाज निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। यदि हम इसको हिंदी में लिखे ए डबल एस, ये बन गया एस। ए, ए क्या होता है? मात्रा होती है हिंदी में, यानी कि इसको बोलते हैं ए की मात्रा, ऐसे। तो समझो ये वोविल की आवाज निकाल रहा है, यह वोविल्स भी है और वोविल्स की आवाज निकाल भी रहा है, तो इस शब्द से पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे। यही याद रखना, हम इसके अधीन ही हम एक ए डबल एस को ही ले लेते हैं। यह वोविल्स के बाद निकाल रहा है और वोविल्स भी है, जिस शब्द का पहला अक्षर वोविल्स होता है और वह वोविल्स के बाद निकालता हो तो उस शब्द से पहले हम ए का यूज नहीं एन का यूज करेंगे, एन का यूज करते हैं दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए अब हम ए का यूज और एन का यूज साथ साथ लेते हैं इस वीडियो में ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दे का यूज पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं यूनिटी, एकता। देखते हैं इस शब्द का पहला अक्षर क्या है, यू है, वो विल है, इनमें से है कोई सा है, यू है। तो चलते हैं इसको हिंदी में लिखते हैं यूनिटी, एकता। यह यू जो है यहां यह की आवाज दे रहा है, तो यू जो है यहां मात्रा होती है हिंदी में नहीं, यू जब ए और उ इनकी आवाज दे रहा हो तो समझ जाओ वो विल्स होता है, मात्राओं का यूज होता है क्योंकि मात्राएं होती हैं। यदि यह की दे रहा है तो समझ जाओ वो विल्स नहीं है, वह कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज किया गया है, व्यंजन के लिए यूज किया गया है, तो वो विल्स ना होगा। वो विल्स होकर भी वो विल्स की आवाज नहीं दे रहा है तो समझ जाओ वो विल्स नहीं कॉन्सोनेंट्स है, तो इस सबसे पहले भी हम ए का यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी, आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। यू, यहां भी यू जो है ये की आवाज दे रहा है तो इस सबसे पहले भी हम ए का यूज करेंगे क्योंकि यू जो है वोविल्स की आवाज नहीं निकाल रहा। दोस्तों ए का यूज आप समझ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं एन का यूज, हम एक बार और बताते हैं। ए का यूज हम वहां करते हैं दोस्तों जिस शब्द का पहला अक्षर वोविल्स होकर भी वोविल्स की आवाज ना निकालता हो, नंबर वन। नंबर टू, वह शब्द जिस शब्द का पहला अक्षर वोविल्स ना हो तो सबसे पहले हम ए का यूज करेंगे, नियम नंबर टू है। अब चलते हैं एन का यूज, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग। दोस्तों हम इनको क्लीन कर रहे हैं। नोटबुक निकाले दोस्तों, राइट करें, आप स्टर हैं, कंटिन्यू चलते रहें दोस्तों, क्योंकि आपका राइट क्या होगा कभी जो एक्सपीरियंस राइट करके होता है दोस्तों वो वैसे नहीं होता। चलते हैं एन का यूज, इसको मीनिंग में हिंदी में एक कहते हैं। एन का यूज हम वहां करते हैं जिस शब्द का पहला अक्षर वोविल्स हो और वह वोविल्स के बाद निकालता हो, उस शब्द से पहले हम एन का यूज करते हैं, नियम नंबर वन। और नियम नंबर टू, एन का प्रयोग हम वहां करते हैं जिस शब्द का पहला अक्षर वोविल्स ना होकर भी वोविल्स की ध्वनि दे, वोविल्स के बाद निकालता हो, वह शब्द क्या करता है उस शब्द से पहले एन का यूज करते हैं। चलते हैं जैसे ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। कुछ वर्ड होते हैं अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एंट, ए एन टी एंट, और आप कुछ भी कह सकते हैं। और एग, ई डबल जी एग, काफी वर्ड है दोस्तों ऐसे। ओवर, एच ओ यू आर, ओवर। आइए दोस्तों हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, 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 फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइए दोस्तों, इस टाइप के वर्ड भी आपने देखे होंगे जो ट्रांसलेट के लिए काम आते हैं, हमें आवश्यकता पड़ती है,
तो हम धीरे धीरे जब इन्हें जानेंगे शॉर्ट फार्मूले से, तो आप इन्हें हर जगह यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट में भी और हर जगह। और चलते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया जिस शब्द का पहला अक्षर वोवेल्स ना हो और वह वोवेल्स के बाद निकालता हो, यानी कि एच है, यह वोवेल्स तो है नहीं लेकिन यह वोवेल्स के बाद निकाल रहा है, कैसे, एच साइलेंस है इसमें, पूरे यहां से पढ़ा जा रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं ओवर, ओवर यानी कि एच इसमें साइलेंस है, अध्ययन से क्या पढ़ते हैं, होवर पढ़ते हैं, वो रोंग कर देते हैं दोस्तों, एच इसमें साइलेंस है तो ओवर पढ़ा जाएगा, ओवर, ओवर कहते हैं घंटों को, इसको हिंदी में लिखेंगे ओवर। तो आइए ओ, ओ की मात्रा, यानी कि ओ की मात्रा यदि इसको लिखेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा दोस्तों, ओ, यानी कि इसको इंग्लिश में ओ कहते हैं, ओवर, यानी कि वोवेल्स की आवाज निकाल रहा है, तो सबसे पहले हम एन का यूज करेंगे। इसको आप होनेस्ट पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ शख्स होनेस्ट पढ़ते हैं, इसमें भी एस साइलेंस रहेगा दोस्तों, एस साइलेंस होने ओ से ओनेस्ट, ओनेस्ट होता है दोस्तों, ओनेस्ट, जो इसमें बात है वही इसमें बात है, ओनेस्ट, ये सेक्रेट राज होता है दोस्तों, ओनेस्ट, ऐसे ये भी ओ की मात्रा, तो इसके इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। किसी भी वर्ड में ओ से पहले यदि एच आता हो, ये बात याद रखना, हम सेक्रेट राज बताते हैं, तो वहां पर एच साइलेंस पड़ जाता है दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सनेंट से ओविल से पड़ जाता है। ई डबल जी, एग में संडा, इस शब्द का पहला अक्षर वोविल्स है ई, यदि हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये एग है, एक बनेगा, तो ये ए की मात्रा है जिसको हम ऐसे कहते हैं, ए, ये वोविल है, वोविल की आवाज निकाल रहा है, तो इससे पहले में हम एन का यूज करेंगे, एन एक, एक अंडा। अम्ब्रेला, यू, वहां पर यू, यूनिटी ए के यूज में क्या दे रखा था, यह की आवाज, और यहां पढ़ जा रहा है अम्ब्रेला, यानी कि ए की आवाज दे रहा है, यदि हम इसको हिंदी में लिखेंगे ए अदमे बे अदरे रे लडला, अम्ब्रेला, इसे बनेगा, यानी कि ए की वोवेल की आवाज निकाल रहा है, तो सबसे पहले हम एन का यूज करेंगे। एलिपीएच, एंटी एलिफेंट, यहाँ भी ए की, ई जो है ए की आवाज निकाल, यानी कि इसकी निकाल रहा है ए की, ऐसे एलिफेंट बनेगा, ए वोवेल होता है, तो सबसे पहले हम एन का यूज करेंगे। एंट, ए, ए की आवाज निकाल रहा है, अंट, अंट में सीटी, तो सबसे पहले हम एन का यूज करेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे एन का यूज और ए के यूज के बारे में, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करें अपने क्लासमेटों के साथ। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड द बेस्ट ऑफ लक प्लीज़।